मेथी की भाजी और गोश्त को बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच भर के तेल को गर्म कर लिया है। फिर 8 से 10 लहसुन की कली, 3 से 4 हरी मिर्च और 1 चम्मच जीरे की मैंने दरदरी पेस्ट बना ली है। इस पेस्ट को इस तेल में डालकर हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर उबले हुए गोश्त के मैंने इस तरह से छोटे पीसेस कर लिए हैं, इसे भी मैं इस तेल में डालकर 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी। फिर मैंने 1 बंच भर के मेथी की भाजी को धुलकर रखा हुआ है, तो इस मेथी की भाजी को हम इसमें डाल देते हैं। मेथी की भाजी को इसमें डालने के बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इस भाजी और गोश्त को हम पकने देते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद हमारी सब्ज़ी पक गई है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो बनकर तैयार है हमारी मेथी की भाजी और गोश्त की सब्ज़ी।